ओके, वेलकम बैक एंड लेट अस स्टार्ट विद टाइप टू सम्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि टाइप वन के सम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। टाइप वन के सम्स के लिए हमने ऑलरेडी एक फार्मूला का लिस्ट बनाया था, जिसमें हमने करीबन 5 फार्मूले लिखे थे और 6th वन जो था वो यूनिट कन्वर्जन था। ओके, और आज हम लोग टाइप टू के सम्स शुरू करते हैं। टाइप टू प्रॉब्लम्स ऑन स्टेप होमोजीनियस बार एंड नंबर ऑफ फोर्सेस। तो स्टार्ट करने से पहले टाइप टू का सम्स जस्ट एक मैं टाइप वन और टाइप टू में क्या डिफरेंस है हम लोग पहले उसको जान लेते हैं, ठीक है। टाइप वन के सम्स में हमने देखा है कि जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए टाइप वन का, उसमें फोर्स जो था उसका मैग्नीट्यूड वो एक ही फोर्स था, पी इज इक्वल टू समथिंग, लेट्स से पी इज इक्वल टू 105 किलो न्यूटन। तो फोर्स सिर्फ एक ही था। ये जो टाइप टू है उसमें डिफरेंस क्या है कि फोर्स यहां पे दो या फिर दो से ज्यादा होगा। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, दो या फिर दो से ज्यादा होगा। सेकंड डिफरेंस क्या रहेगा टाइप वन एंड टाइप टू में, टाइप वन में हमने देखा कि फोर्स के साथ साथ जो क्रॉस सेक्शन भी था उनका वो भी क्या था, थ्रू आउट द बॉडी सेम था। तो फोर्स एक था और क्रॉस सेक्शन जो था बॉडी का वो थ्रू आउट सेम था। टाइप टू में क्या होगा, फोर्स यहां पर दो या फिर दो से ज्यादा होगा, या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया बॉडी का चेंज होगा, या फिर दोनों होगा। फोर्स दो से ज्यादा होगा या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी चेंज होगा या फिर दोनों होगा, ठीक है। तो जब भी फोर्स दो या फिर दो से ज्यादा एक्ट हो या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, टाइप टू का सम्स बन जाएगा। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन। क्वेश्चन नंबर वन, ए बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 mm स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू फोर्सेस एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द चेंज इन द बार, टेक कैपिटल ई। कैपिटल ई क्या है, यंग्स मॉडुलस। टेक कैपिटल ई इज इक्वल टू 2 × 10^5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम को पहले हम बना लेते हैं, ये है डायग्राम। ओके, वन किलो न्यूटन 300 mm 400 mm एंड दिस इज 600 mm और यहां पे फोर्स क्या एक्ट हो रहा है, 2 kN 4 kN एंड 3 kN। ओके, एंड ई हमें कितना दिया है, ई हमें कितना दिया है, 2 × 10^5 न्यूटन पर mm स्क्वायर और क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट कितना है, सेम। क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट क्या है, सेम, राइट। तो ये टाइप टू का सम्स है, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो 1, 2, 3, 4 दो या फिर दो से ज्यादा फोर्स अगर एक्ट हो तो वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, टाइप टू का सम्स बन जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, दो नहीं कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, 1, 2, 3, 4 टोटल फोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी बॉडी एंड इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो क्या है, थ्रू आउट सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट हम एक कंसेप्ट देखेंगे यहां पे क्या है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज 5 + 3 तो हमारा आंसर क्या होगा, 8, राइट। हमें मालूम कैसे पड़ा कि मुझे ये 5 और 3 को प्लस करना है, ऐड करना है, ये जो प्लस ऑपरेटर है ना, प्लस साइन, उससे मुझे मालूम पड़ा। ओके, अगर मैं 5, 3 और बीच का प्लस साइन ऑपरेटर निकाल दूं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हमें प्लस करना है कि माइनस करना है, राइट। एक और वे है प्लस करने का, अगर मैं बोलूं कि ये 5 और ये 3 दोनों के ऊपर जो ये निशानी है ना, साइन, ये साइन क्या बता रहा है, 5 इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, 3 इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। दूसरा केस में हम ऐसा लिखते हैं कि अगेन 5 कहां मूव हो रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, 3 कहां मूव हो रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट। दोनों केस चेक करो, 5 और 3 दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है। फर्स्ट केस में कहां मूव हो रहा है, टुवर्ड्स राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इशारा है कि वी विल हैव टू ऐड दिस टू नंबर्स,
5 और 3 को हमें ऐड करना है, क्यों? क्योंकि 5 का डायरेक्शन राइट है, 3 का डायरेक्शन भी टुवर्ड्स राइट है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, 5 प्लस 3 इज 8, और उसके ऊपर कौन सा निशान आएगा, साइन क्या आएगा, चेक करो 5 और 3 में से कौन सा वैल्यू बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो 5 के ऊपर जो साइन है वही साइन कहां पे आएगा, 8 के ऊपर आएगा, 5 के ऊपर जो साइन है, क्या साइन है 5 के ऊपर, टुवर्ड्स राइट। ओके, सिमिलरली सेकंड केस देखो, यहां पे 5 एंड 3 बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, यहां पे क्या हो रहा था, 5 एंड 3 बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स राइट, इसलिए हमने क्या किया, प्लस किया। यहां पे क्या हो रहा है, बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, इस केस में भी हम एडिशन करेंगे, प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है, 5 एंड 3 दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करेंगे 8 हो जाएगा, और इसके ऊपर कौन सा निशान आएगा, साइन कौन सा आएगा, चेक करो 5 और 3 में से कौन सा वैल्यू बड़ा है, 5 यहां पे ग्रेटर है, तो 5 के ऊपर साइन कौन सा है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, सेकंड 5 3, मैं अभी यहां पे बोल रहा हूं कि 5 मूव हो रहा है टुवर्ड्स राइट एंड 3 मूव हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। दूसरे केस में 5 इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड 3 इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। इस केस में भी क्या हो रहा है, दोनों का जो साइन है, दोनों का जो साइन है वो क्या है, वो अलग अलग है राइट। 5 का मूव हो रहा है टुवर्ड्स राइट, 3 का मूव हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसका इशारा ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो 5 माइनस 3 इज 2, और 2 के ऊपर कौन सा निशान आएगा, चेक करो 5 या 3 में से कौन सा वैल्यू बड़ा है, ऑब्वियसली 5 बड़ा है, तो 5 के ऊपर कौन सा निशान है, मूविंग टुवर्ड्स राइट, तो हमको यहां पे क्या दिखाना पड़ेगा, मूविंग टुवर्ड्स राइट। सिमिलरली 5 और 3 दोनों का साइन देखो कैसा है, 5 इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, 3 इज मूविंग टुवर्ड्स 5 इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, 3 इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अलग अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो 5 माइनस 3 इज 2, और साइन क्या आएगा, दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन सा है, 5, 5 का साइन क्या है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो यहां पे इसलिए क्या आएगा, इसका लेफ्ट आएगा। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो इजी कंसेप्ट है, लेकिन हमें 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 यही कंसेप्ट को टाइप 2 के सम्स में यूज करना पड़ेगा राइट। तो ये इसको एक बार ठीक से समझ जाओ क्या है, और इसको नोट डाउन कर लो किसी भी जगह पे, तुम्हारे नोटबुक पे नोट्स में उसको ठीक से लिख लो, उसके बाद फिर यही कंसेप्ट हम लोग क्या करेंगे, टाइप 2 के सम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस मूव अहेड, अभी हम क्या करते हैं, इस सम्स को एनालाइज करेंगे, इस सम्स को एनालाइज करेंगे राइट। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ ये बॉडी में कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, 4 फोर्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके राइट, अभी 4 फोर्स में से एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स कौन कौन सा है, हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो 1 kN एंड 2 kN आर एक्सटर्नल फोर्स, और 3 kN 4 kN आर इंटरनल फोर्स। तो 4 फोर्स में से पहले डिसाइड कर लो कि इंटरनल कौन है और एक्सटर्नल कौन है। तो ये दिख के हमको मालूम पड़ रहा है, देख के, कि ये 1 kN एंड 2 kN आर एक्सटर्नल फोर्स और 3 और 4 आर इंटरनल फोर्स राइट। तो फर्स्ट हमारा क्या रहेगा कि डिसाइड कर लो कि भाई कौन सा फोर्स इंटरनल है और कौन सा फोर्स एक्सटर्नल है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो बॉडी है राइट, उसको हम एक नाम दे देंगे। ओके, क्या नाम देंगे उसको, लेट्स से दिस इज ए बी सी डी, क्या नाम दिया उसको, ए बी सी डी राइट, नाम दे दिया उसको हमने। उसके बाद नाम देने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, नाम देने के बाद एक्चुअली क्या हो रहा है यहां पे, ये जो एंटायर बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पार्ट ए बी, पार्ट बी सी, पार्ट सी डी। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पहले पार्ट ए बी बनाएंगे, पार्ट ए बी, पार्ट बी सी, पार्ट सी डी। ठीक है, 3 पार्ट नाम लिख देता हूं उसका मैं, ये क्या है, पार्ट ए बी, पार्ट बी सी, पार्ट सी डी।
क्या किया हमने, पूरा जो बॉडी था उसको हमने क्या किया, तीन पार्ट में उसको हमने डिवाइड कर दिया, राइट, तोड़ दिया उसको तीन पार्ट में. नाउ फर्स्ट एक्सटर्नल फोर्स चेक करो, 1 kN 2 kN 1 kN एक्सटर्नल फोर्स कहां पे एक्ट हो रहा है, कहां पे एक्ट हो रहा है, ए साइड ए पे, साइड ए पे क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स 1 kN एक्ट हो रहा है ए पर, राइट. ए किधर है यहां पे, अगर हम पूरा गौर से देखें यहां पे पूरा जो हमने ये पार्ट्स को यहां पे जो बनाया है उसमें सिर्फ ए जो है लेटर ए, लेटर ए सिर्फ एक ही बार आया है यहां पे आया है, देखो बाकी यहां बी बी सी सी डी, बाकी कहां पे ए नहीं है. तो ऑब्वियसली कि ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 kN का जो फोर्स है वो कहां पे एक्ट हो रहा है, एट ए, मतलब ये हो गया 1 kN का फोर्स एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स राइट, ये भी कहां जा रहा है टुवर्ड्स राइट. दूसरा एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, 2 kN, ठीक है, वो कहां जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, कहां पे एक्ट कर रहा है, एट साइड डी, डी पे एक्ट कर रहा है, डी कहां पर है चेक करो, डी यहां पर है. ओके, तो हम लोग यहां पर दिखा देंगे कि ये कहां पे हो रहा है 2 kN एट साइड डी और कहां की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट. ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, अभी यहां पे हमने एक्सटर्नल फोर्स दिखा दिया कितना है वो 1 kN, कहां जा रहा है टुवर्ड्स राइट. इधर क्या करेंगे, चुपचाप सेम फोर्स 1 kN दिखा दो, बट दिस टाइम इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, ये कहां जा रहा है राइट की तरफ, तो ये कहां जाएगा लेफ्ट की तरफ, दैट्स इट. कम टू द सेकंड पॉइंट, यहां पे क्या हो रहा है 2 kN का फोर्स कहां की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, ये कहां जा रहा है लेफ्ट जा रहा है. तो हमको क्या करना है, चुपचाप एक फोर्स दिखाएंगे जिसका वैल्यू सेम रहेगा 2 kN, लेकिन ये कहां पे जाएगा फोर्स, दिस विल मूव टुवर्ड्स राइट. तो ये कहां जा रहा है फोर्स, टुवर्ड्स लेफ्ट, ये कहां जाएगा टुवर्ड्स राइट जाएगा, ठीक है. सिमिलरली ये कहां जा रहा है टुवर्ड्स राइट, तो ये कहां पे जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा राइट. तो मुझे पार्ट ए बी में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है मालूम पड़ गया, 1 kN 1 kN. पार्ट सी डी में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है मालूम पड़ गया, 2 kN 2 kN. पार्ट बी सी में कितना फोर्स फाइंड करना है अभी हमको, वो मेन चीज है. ओके, ध्यान दो, अभी साइड ए में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है 1 kN, बी में कितना एक्ट हो रहा है 3 kN, सी में कितना एक्ट हो रहा है 4 kN, डी में कितना एक्ट हो रहा है 2 kN राइट. अब ध्यान दे दो वहां पर बी, अब यहां पे देखो ए का हमने फोर्स यहां पे दिखा दिया, अब बी का फोर्स मुझे दिखाना है. बी मेन क्वेश्चन में कितने बार आ रहा है यहां पे, मेन क्वेश्चन में बी एक ही बार हमने लिखा, एक लेटर देखो बी कितने बार लिखा है हमने यहां पे, एक ही बार लिखा है. यहां पे बी कितने बार नजर आ रहा है हमको, ये एक बी यहां पे एक बी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों बी को मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा. ज्वाइन करने के बाद जो फोर्स मुझे मिलेगा, दैट फोर्स शुड बी इक्वल टू ये जो मेन डायग्राम में जो तुम्हारा फोर्स एक्ट हो रहा है कितना है वो 3 kN टुवर्ड्स लेफ्ट. आई रिपीट, यहां पे बी दो बी है, हम दो बी को मिला के क्या करना है, हमको सिंगल बी में कन्वर्ट करना है. क्या करना है, सिंगल बी में कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट बी सेकंड बी को ऐड करना है, तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, ये मेन आंसर जो हमारे क्वेश्चन में दिया है कि एट बी कितना फोर्स होना चाहिए, 3 kN टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट होना है. ओके, तो अभी यहां पे देखो कि फर्स्ट बी में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, 1 kN, कहां मूव हो रहा है ये टुवर्ड्स लेफ्ट, तो मैं ऊपर निशानी क्या दिखा रहा हूं, टुवर्ड्स लेफ्ट. यहां पे बी में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है हमें नहीं मालूम, तो इसको यहां पे हम एक जगह छोड़ देंगे. इज इक्वल टू दोनों को मिलाने के बाद मुझे कितना मिलना चाहिए वैल्यू, 3 kN टुवर्ड्स लेफ्ट. तो क्या मिलना चाहिए मुझे आंसर, 3 kN टुवर्ड्स लेफ्ट. अब हमको जो इसके पहले जो हमने कंसेप्ट देखा था ना साइन का और प्लस का माइनस का, वही कंसेप्ट यूज करना है यहां पे. 1 के साथ मैं कितना ऐड करूंगा तभी जाकर मुझे 3 मिलेगा, 1 के साथ मैं कितना ऐड करूंगा तभी जाकर मुझे 3 मिलेगा, कितना ऐड करूंगा, 2 ऐड करना पड़ेगा मुझे. ऐड करने के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों का साइन या फिर दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए. ये 1 कहां जा रहा है लेफ्ट की तरफ, तो 2 भी लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए, तभी जाके हमने जस्ट देखा था पहले कि दोनों का साइन डायरेक्शन सेम रहेगा तभी जाके क्या होता है वहां पे एडिशन होता है, ठीक है. तो अभी क्या हो गया, यहां पे दोनों का साइन सेम है, तो 1
एंड टू क्या हो जाएगा, थ्री। वन बड़ा है कि टू बड़ा है, टू बड़ा है। टू का साइन क्या है, टुवर्ड्स लेफ्ट। यहां पे साइन क्या है, टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट। तो अभी ये जो टू मुझे मिला है ना, टू कहां जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, उसको उठाओ और इस बी के तरफ डाल दो यहां पे। ये जो बी है ना यहां पे, सो ये क्या हो रहा है, टू किलो न्यूटन कहां मूव हो रहा है, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स कहां मूव हो रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट मूव हो रहा है। अब चुपचाप क्या करना है हमको कि यहां पे टू किलो न्यूटन कहां जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट। यहां पे टू किलो न्यूटन कहां जाएगा, टुवर्ड्स राइट। दैट्स इट। तो अब मुझे क्या हो गया, पार्ट ए बी में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, वन किलो न्यूटन। कैसा फोर्स है ये, वन किलो न्यूटन, कंप्रेसिव, कंप्रेस कर रहा है। पार्ट बी सी में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, टू किलो न्यूटन, टेंसाइल, खींच रहा है उसको। सी डी में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, कंप्रेसिव, उसको कंप्रेस कर रहा है, टू किलो न्यूटन का, राइट। तो ये हमारा मेन होमवर्क रहेगा, राइट, मेन होमवर्क था ये। ये गलती की है तो फिर आगे का सब कुछ कैलकुलेशन हमारा गलती हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट कैलकुलेशन पार्ट। यहां पे लिखेंगे हम लोग कि कंसीडर पार्ट ए बी, कंसीडर पार्ट ए बी, ठीक है। क्या फाइंड करना है मुझे, पूरा बॉडी का डेल्टा एल, पूरा बॉडी का डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो पूरा बॉडी का चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू, मैं क्या बोलूंगा, चेंज इन लेंथ इन पार्ट ए बी प्लस चेंज इन लेंथ इन पार्ट बी सी प्लस चेंज इन लेंथ इन पार्ट सी डी। तीनों को मिला दूंगा तो मुझे क्या होगा, फाइनल वैल्यू मुझे मिल जाएगा, ठीक है। सो नाउ, तो डेल्टा एल ऑफ पार्ट ए बी फॉर्मूला क्या है, पी एल बाय ए ई, ए ई, सॉरी ए ई, ओके। पी कितना है, पार्ट ए बी में पी कितना है, वन किलो न्यूटन, लेकिन हम फोर्स हमेशा किसमें रखते हैं, न्यूटन। तो वन किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1000 न्यूटन इनटू लेंथ। लेंथ कितना है इसका, एबी का लेंथ कितना है, चेक करो, एबी का लेंथ कितना है, 300 mm। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 300 mm डिवाइड बाय एरिया थ्रू आउट द बॉडी, एरिया सेम है हमारा, एरिया कितना है, 100 mm स्क्वायर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 100 इंटू ई कितना है, 2 इंटू टू 10^5, सो 2 इंटू 10^5। ये सब कैलकुलेट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, राइट, वैल्यू इन एमएम मिलेगा, उसको हमें बाद में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर पार्ट बी सी, सो देयरफॉर चेंज इन लेंथ इन बी सी इज पी एल अपॉन ए ई। पी कितना एक्ट हो रहा है बी सी में, 2 किलो न्यूटन, मतलब 2000 न्यूटन इंटू लेंथ ऑफ बी सी, चेक करो कितना लेंथ ऑफ बी सी कितना है, 400 mm। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 400 डिवाइड बाय एरिया कितना है, 100 इंटू ई 10^5 इज इक्वल टू, जो भी मुझे वैल्यू मिलेगा वो किसमें रहेगा, इन टर्म्स ऑफ mm, क्लियर। लास्ट कौन सा बचा पार्ट अभी, सी डी। तो यहां पे लिखेंगे कंसीडर, कंसीडर पार्ट सी डी, डेल्टा एल सी डी इज इक्वल टू पी एल बाय ए ई। पी कितना एक्ट हो रहा है यहां पे, 2 किलो न्यूटन, ठीक है, कितना एक्ट हो रहा है यहां पे, 2 किलो न्यूटन। तो 2000 न्यूटन इंटू लेंथ ऑफ सी डी, सी डी का लेंथ कितना है, 600 mm। तो यहां पे लिखेंगे 600 डिवाइड बाय एरिया, 100 इंटू 2 इंटू 10^5, ओके। नाउ लेट अस कैलकुलेट करते हैं इसको। वेट, कितना है यहां पे आ रहा है, 1000 इंटू 300 डिवाइड बाय 1000 इंटू 10^5। तो यहां पे वैल्यू कितना आ रहा है, 0.0015 mm। एक बात बताओ कि ये जो चेंज इन लेंथ है वो लेंथ कम होगा या इंक्रीज होगा,
कम होगा या बढ़ेगा? किससे मालूम पड़ेगा हमें कि ये लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? चेक करो कि पार्ट ए बी में, पार्ट ए बी में फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है? कंप्रेसिव फोर्स, 1 kN का कंप्रेसिव फोर्स। और कंप्रेसिव फोर्स का इफेक्ट क्या है? लेंथ कम होता है, डिक्रीज होता है, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी डिक्रीज, इतना लेंथ डिक्रीज हुआ पार्ट ए बी में। सिमिलरली अभी इसका निकालते हैं हम लोग, ठीक है? यहां पे क्या वैल्यू है, 2000 इंटू 400, क्या आएगा वैल्यू यहां पे, 0.04 mm। अब ये लेंथ बीसी का बढ़ रहा है या घट रहा है, चेक करो कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है यहां पे, फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है यहां पे, टेंसाइल फोर्स। तो ये क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगा, ओके? सिमिलरली इस पार्ट में क्या होगा, पार्ट सीडी में क्या होगा, क्या वैल्यू मिल रहा है हमको, 0.06 mm, डिक्रीज या इंक्रीज, लेंथ डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, चेक करो सीडी में क्या एक्ट हो रहा है, कंप्रेसिव फोर्स, तो ये डिक्रीज होगा, क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, राइट? नाउ टोटल इलांगेशन डेल्टा एल इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, डेल्टा एल इज इक्वल टू, क्या हमने क्या लिया था कि डेल्टा एल ऑफ ए बी प्लस डेल्टा एल ऑफ बी सी प्लस डेल्टा एल ऑफ सी डी, ठीक है, राइट? ध्यान से अब यहां पे हम मिस्टेक करेंगे, 99.9% हमारा चांसेस मिस्टेक करने का ये स्टेज में, प्लीज ध्यान दो आप, ठीक है? कुछ लिखो नहीं अभी। डेल्टा ए बी, ए बी क्या है, कितना आ रहा है, 0.015 mm, डिक्रीज कम हो रहा है, कम, इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहां पे, -0.015, क्योंकि माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। 0.04 mm इंक्रीज, बढ़ रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा वहां पे, +0.04 लिखूंगा। देन 0.06 mm क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, -0.06 लिखूंगा, ओके, राइट? अब मुझे क्या आंसर मिल रहा है इसका, चेक करो कल से यूज करके देखें क्या आ रहा है, -0.015 +0.04 -0.06, तो क्या आंसर आ रहा है मुझे यहां पे, -0.035 mm, क्या आ रहा है, -0.035 mm, राइट? माइनस का मतलब क्या, डिक्रीज होना, राइट ना? अभी हमने देखा कि यहां पे माइनस क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो माइनस साइन है वो क्या इंडिकेट करता है कि ये इतना लेंथ डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस साइन निकाल देंगे और यहां पे क्या लिखेंगे कि भाई इतना लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ओके? तो ये है हमारा फाइनल वैल्यू, क्या है फाइनल वैल्यू, कि टोटल इलांगेशन जो है वो क्या है, टोटल इलांगेशन 0.035 mm डिक्रीज हो रहा है वो, ठीक है, राइट? सो दिस इज हाउ टू सॉल्व टाइप 2 न्यूमेरिकल्स, ओके? इसको सॉल्व कर लो, इसको, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट वन, ओके? सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? ए सर्कुलर बार हैविंग 200 mm स्क्वायर एरिया is subjected to axial loads as shown in the figure. Find the value of P and total elongation. Take capital E is equal to 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square. तो इसको शुरू करने से पहले क्वेश्चन नंबर 2 डायग्राम बनाना जरूरी है इसमें. क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, 50 kN, और यहाँ पे भी कितना हो रहा है, 50 kN, यहाँ पे कितना है P, अननोन फोर्स है ये, और यहाँ पे कितना है 2
20 किलोन्यूटन। यहाँ पे हर एक का लेंथ कितना दिया है, यहाँ पे 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। ई कितना दिया है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर ई, और एरिया कितना दिया है, 200 mm स्क्वायर एरिया दिया है। ओके लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में और 1 में क्या फर्क है। 1 में हमें चारों फोर्स के वैल्यूज हमको मालूम था, 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में। लेकिन अभी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है कि चारों फोर्स में से सिर्फ एक ही फोर्स है जिसका मुझे वैल्यू नहीं मालूम, राइट। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पी का वैल्यू निकालेंगे। पी का वैल्यू निकालेंगे कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे क्या करेंगे, बाई यूजिंग, हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, बाई यूजिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। मैकेनिज्म पढ़े थे हम लोगों ने मैकेनिक्स में कि व्हाट इज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो कंडीशन क्या यूज करेंगे यहां पे कि समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर चेक करो, चार फोर्स है, ये फोर्स कहां जा रहा है, लेफ्ट की तरफ, तो क्या होगा, -50। ये फोर्स कहां पे जा रहा है, राइट की तरफ, इसलिए क्या होगा, +50। ये फोर्स कहां पे जा रहा है, लेफ्ट की तरफ, तो क्या होगा, -20। ये फोर्स कहां पे जा रहा है, राइट की तरफ, तो क्या होगा, +50 इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करने के बाद मालूम पड़ेगा कि P इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। P कितना है यहां पे, वैल्यू मुझे मिल गया 20 किलो न्यूटन मूविंग टुवर्ड्स राइट। ओके राइट, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप, क्या निकालने के लिए, अननोन वैल्यू ऑफ फोर्स P निकालने के लिए। ओके उसके बाद एज यूजुअल जो हमने फर्स्ट इसमें किए वही करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको नाम दे दो, नाम ए बी सी डी। ओके उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको तीन पार्ट्स में हम लोग उसको डिवाइड करेंगे या फिर तोड़ेंगे। ये हो गया पार्ट ए बी, ये हो गया पार्ट बी सी, और ये हो गया पार्ट सी डी। तो पार्ट ए बी, पार्ट बी सी, पार्ट सी डी, चार फोर्स में से अभी डिसाइड करो कि एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है। एक्सटर्नल फोर्स 50 किलो न्यूटन कहां पे एक्ट हो रहा है, ए। तो यहां पे दिखा दो, ए पर क्या एक्ट हो रहा है, 50 किलो न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। चुपचाप अगले साइड में क्या दिखा दो, 50 किलो न्यूटन मूविंग टुवर्ड्स राइट, दैट्स इट, खत्म। दूसरा एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, 50 किलो न्यूटन कहां पे एक्ट हो रहा है, डी में। डी किधर है, यहां पे, तो यहां पे डी दिखा दो, यहां पे कहां पे एक्ट हो रहा है, डी पे, 50 किलो न्यूटन टुवर्ड्स राइट। चुपचाप यहां पर क्या दिखाना है हमको, इसका अपोजिट साइड में 50 किलो न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो मुझे ए बी और सी डी में कितने फोर्स एक्ट हो रहा है वो मालूम पड़ गया, बचा कौन अभी, बी सी में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये दो बी को मुझे ऐड करना है, ऐड करने से क्या मिलना चाहिए मुझे, ये मेन फोर्स जो बी पे एक्ट हो रहा है, कितना एक्ट हो रहा है, ये 20 किलो न्यूटन का फोर्स, कितना एक्ट हो रहा है, 20 किलो न्यूटन का फोर्स मिलना चाहिए। कैसे लाएंगे हम लोग, चेक करें, बी पे, पहला वाला बी पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, 50, कहां पे जा रहा है, 50 टुवर्ड्स राइट। सेकंड वाले बी पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, मुझे नहीं मालूम, दोनों मिला के क्या मिलना चाहिए मुझे, ये वैल्यू मिलना चाहिए, 20 टुवर्ड्स कहां पे जा रहा है, 20 कहां जा रहा है, टुवर्ड्स राइट साइड, तो वो मिलना चाहिए मुझे वैल्यू। अब 50 में से मैं कितना वैल्यू माइनस करूं ताकि मुझे 20 मिले, कितना, 30 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 30 माइनस करने के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों वैल्यूज का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होना चाहिए। 50 कहां पे जा रहा है, टुवर्ड्स राइट, 30 कहां जाना चाहिए, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। अब इसको उठाओ और कहां पे दिखा दो, एट पॉइंट बी, बी में कितना एक्ट हो रहा है, 30 किलो न्यूटन। तो यहां पे क्या आएगा, 30 किलो न्यूटन टुवर्ड्स राइट। ओके समझ में आया राइट, इसको नोट कर लो, फिर स्क्रब करता हूं मैं। अभी हमारा मेन
कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा, जो हमने फर्स्ट में किया था वही करना पड़ेगा। क्या था ये कि फर्स्ट कंसीडर पार्ट ए बी, ठीक है, इस सम्स में भी हमको क्या निकालना है, टोटल इलांगेशन निकालना है। सो देयरफॉर टोटल इलांगेशन इज इक्वल टू इलांगेशन इन पार्ट ए बी, इलांगेशन इन पार्ट बी सी एंड इन पार्ट सी डी। तो डेल्टा एल इन ए बी इज इक्वल टू पी एल बाई ए ई। पी कितना एक्ट हो रहा है यहाँ पे एट ए बी, 50 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे क्या आएगा, 50 × 10³। लेंथ कितना है ए बी का, 1 मीटर। सबका देखो कि लेंथ कितना है, 1 मीटर है। 1 मीटर मतलब 1000 mm, गलती नहीं करना, 1 मीटर मत लिखना यहाँ पे। क्या करना है हमको, हर एक लेंथ किस में होनी चाहिए, mm में, और फोर्स किस में होनी चाहिए, न्यूटन में। ओके, तो एरिया कितना है यहाँ पे, 200। ई कितना है, 2 × 10⁵। राइट, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, फिर लिख लेते हैं हम लोग पहले कंसीडर पार्ट बी सी। सेकेंड पार्ट कंसीडर करते हैं, डेल्टा एल बी सी इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। पी कितना है यहाँ पे बी सी में, 30 किलो न्यूटन। लेंथ कितना है, 1000 mm। एरिया 200 × 10⁵ E, इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर पार्ट सी डी, डेल्टा एल सी डी इज इक्वल टू पी एल बाई ए ई। पी एल बाई ए ई, पी कितना यहां पे, 50 × 10³। एल 1000 mm, एरिया 200 × ई कितना है, 2 × 10⁵। ओके, अब क्या करो, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है ये, 50 × 10³ × 1000 / 200 × 2 × 10⁵। ओके, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है मुझे, 1.25 mm। इंक्रीज या डिक्रीज, ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये वैल्यू चेक करो। एबी में क्या हो रहा है, ये टेंसाइल फोर्स है, राइट, तो टेंसाइल फोर्स क्या करेगा, लेंथ को इंक्रीज करेगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली पार्ट बीसी का चेक करो, पार्ट बीसी में कितना आ रहा है वैल्यू, 0.75 mm। क्या ये लेंथ इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, चेक करो बीसी में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, टेंसाइल फोर्स। तो लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो यहां पे लिखेंगे कि दिस लेंथ इज इंक्रीज। सीडी में क्या हो रहा है, अगेन टेंसाइल फोर्स ही एक्ट हो रहा है यहां पे, तो सेम वैल्यू आएगा, 1.25 mm इंक्रीज। Therefore, टोटल elongation इज इक्वल टू elongation इन पार्ट ए बी प्लस 1.25, क्यों प्लस, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, फिर प्लस 0.75, क्यों प्लस, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, फिर प्लस 1.25, क्यों प्लस, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ऐड करो 1.25, 0.75, सो प्लस 3.25 mm, इसका मतलब क्या, 3.25 mm प्लस साइन, इसका मतलब क्या कि ये इंक्रीज हुआ। तो टोटल इलांगेशन कितना हुआ, टोटल इलांगेशन कितना हुआ, 3.25 mm, 3.25 mm, राइट, लिख लो इसको। So now let us start with numbers third. Okay, question एक बार देख लो, diagram बनाना शुरू करो। Question number three.
यहाँ पे कितना फोर्स एक्ट हो रहे हैं, 20, यहाँ पे कितना हो रहा है 20, ये जो थिकनेस है इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर कितना है 5, 12 mm, 5 मतलब डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है 5, 30 mm, इसका डायमीटर कितना है 5, 22 mm, ठीक है। लेंथ दिया है ये कितना है 1200 mm, ये कितना है 2000 mm, ये कितना है 100 mm, ठीक है राइट। ओके सॉल्व कैसे करेंगे उसको, सबसे पहले नाम देता हूं उसको ए बी सी डी राइट। इस केस में हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्रॉस सेक्शनल एरिया जो था वो क्या था, थ्रू आउट सेम था, ठीक है। लेकिन यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट सेम नहीं है, यहां पे हम देखेंगे पार्ट ए बी का एरिया कितना है, डायमीटर कितना दिया यहां पे 12, तो एरिया क्या हो जाएगा उसका पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। ओके सिमिलरली बीसी का एरिया क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, बीसी का एरिया सॉरी बीसी का एरिया चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहां पे एबी का एरिया डायमीटर कितना है, एबी का डायमीटर कितना है यहां पे 12 mm, बीसी का डायमीटर कितना है डायमीटर 30 mm, तो ऑब्वियसली डायमीटर बढ़ गया बीसी का, तो एरिया उसका चेंज हो जाएगा। सिमिलरली सीडी का एरिया क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो रहा है एरिया चेंज हो रहा है। ओके थ्रू आउट एरिया कॉन्स्टेंट सेम नहीं है, एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है। सो नाउ क्या करते हैं उसको हम लोग, लेट अस ब्रेक इट, ये हो गया पार्ट ए बी, पार्ट बी सी, पार्ट सी डी, नाम लिख लेते हैं उसको ए बी बी सी एंड सी डी, ठीक है। मैं क्या करता हूं यहां पे उसका एरिया लिखता हूं, इसका एरिया कितना है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डी कितना है 12। ओके लेट अस फाइंड आउट कि ये लिख लेते हैं पाई बाय 4 कितना एरिया है इसका 113.09 mm स्क्वायर। तुम लोग उसको मत लिखो ठीक है, मैं इसको समझाने के लिए यहां पे लिख रहा हूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, लेकिन तुम लोग उसको यहां पे लिखोगे नहीं, बाहर कहां पे लिखोगे एरिया उसका, ठीक है। इसका एरिया क्या रहेगा, बीसी का एरिया पाई बाय 4, डी कितना यहां पे 30 का स्क्वायर, तो पाई बाय 4 इंटू 30 का स्क्वायर क्या आ रहा है वैल्यू 706.83 mm स्क्वायर। आई रिपीट कि तुम लोग यहां पे एरिया नहीं लिखोगे, सिर्फ तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं ठीक है, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। सी डी का एरिया कितना रहेगा, इसका एरिया ए बताओ कितना रहेगा पाई बाय 4, डी कितना यहां पे 22 का स्क्वायर, तो पाई बाय 4 इंटू 22 का स्क्वायर कितना आ रहा है 380.12 mm स्क्वायर राइट। ओके नाउ मेन चीज यहां पे फोर्स कितने, यहां पे दो फोर्स है, दोनों के दोनों क्या एक्सटर्नल, इंटरनल में कोई भी फोर्स नहीं है, यहां पे है कोई फोर्स इंटरनल फोर्स नहीं है, दोनों कैसा है एक्सटर्नल फोर्स राइट। ऐसा अगर केस हो जहां पे, प्लीज ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा अगर सिचुएशन हो, ऐसा अगर केस हो जहां पे सिर्फ दो ही फोर्स है और दोनों क्या है एक्सटर्नल फोर्स, दोनों क्या है एक्सटर्नल फोर्स राइट, तो यही सेम फोर्स क्या होगा हर एक बॉडी पे एक्ट होगा, हमको बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही फोर्स कितना है यहां पे 20 kN राइट, यहां पे दिखा दो कहां पे एक्ट हो रहा है ए पे राइट, तो यहां पे दिखाओ दिस इज 20 kN मूविंग टुवर्ड्स, कहां पे जा रहे हैं मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो यहां पे कहां पे जाएगा 20 kN मूविंग टुवर्ड्स राइट। सिमिलरली सेम फोर्स मैं यहां पे दिखाऊंगा 20 kN मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, यहां पे क्या हो जाएगा
20 किलो न्यूटन मूविंग टुवर्ड्स राइट. सेम फोर्स में सीडी में दिखाऊंगा 20 किलो न्यूटन मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, 20 किलो न्यूटन मूविंग टुवर्ड्स राइट. ये लेकिन मैं कब करूंगा, जब जब मेरे पास दो फोर्स है सिर्फ, और दोनों क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है. ठीक है, बीच में अगर कोई इंटरनल फोर्स आ गया होता तो उस केस में हम लोग ये नहीं कर सकते थे, हमको फिर वो बैलेंसिंग करना पड़ता कि दोनों बी मिला के कितना बी आ रहा है वो देखना पड़ता राइट. तो इस केस में हमारा एक स्टेप बच गया. क्या स्टेप बच गया, वो कि हमें वो बैलेंसिंग करना नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहां पे दो फोर्स है, दोनों एक्सटर्नल है, इंटरनल फोर्स एक भी नहीं है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स दिया है हमको ना, वही फोर्स को हम लोग हर एक पार्ट में अप्लाई कर सकते राइट. उसके बाद फिर हमारा यूजुअल प्रोसेस, कंसिडर पार्ट ए बी, क्या रहेगा, डेल्टा एल ए बी इज इक्वल टू पी एल बाय ए ई. पी कितना एक्ट हो रहा है यहां पे, 2×20×10³. एरिया लेंथ कितना इसका, लेंथ ए बी का लेंथ कितना है, 1200 mm डिवाइड बाय एरिया कितना है, ए बी का एरिया कितना है, 113. देखो एरिया चेंज हो रहा है अभी, एरिया चेंज हो रहा है अभी. इंटू ई, ई कितना दिया क्वेश्चन में, 2×10^5 है. एक मिनट में चेक कर लेता हूं, ई ई टू नहीं है, 1×10^5 दिया है. ई कितना दिया हमें, ई इज 1×10^2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. तो यहां पे क्या आएगा, 1×10^5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. देन कंसीडर पार्ट कौन सा, बी सी, डेल्टा एल बी सी इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए. पी कितना है, 20×10^3. एल कितना है, लेंथ ऑफ बी सी कितना है, 2000. एरिया ऑफ बी सी, एरिया चेंज हो रहा है, देखो यहां पे कितना है, 113.09, यहां पे कितना है, 706.83×1×10^5. सिमिलरली पार्ट सी डी, डेल्टा एल सी डी इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए. पी कितना है यहां पे, देखो सी डी में 20×10^3 लेंथ कितना है सी डी का, सी डी का लेंथ कितना है, 1800. तो यहां पे क्या करेंगे, 1800. एरिया ऑफ सी डी कितना है, 380.12. एरिया चेंज हो रहा है, देखो यहां पे, यहां पे एरिया कितना था ए बी का, 113. यहां पे कितना है बी सी का, 706. यहां पे कितना है सी डी का, 308×1×10^5. अभी इसको कैलकुलेट करो, चेक करो कि कौन सा प्लस आएगा कौन सा माइनस आएगा. तो इस केस में क्या है, हर एक बॉडी पे, हर एक पार्ट पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, टेंसिल फोर्स एक्ट हो रहा है. हर एक पार्ट में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, टेंसिल फोर्स एक्ट हो रहा है. तो हर एक पार्ट का लेंथ यहां पे इंक्रीज होगा. तो जो तुमको वैल्यू मिलेगा वो क्या रहेगा, इंक्रीज. यहां पे जो वैल्यू मिलेगा वो क्या रहेगा, इंक्रीज. यहां पे जो वैल्यू मिलेगा वो तुम्हें क्या मिलेगा, इंक्रीज. क्यों, क्योंकि हर एक पार्ट में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है. तो ये वैल्यू निकालो, उसके बाद फिर फाइनल क्या लिखोगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ ए बी प्लस डेल्टा एल ऑफ बी सी प्लस डेल्टा एल ऑफ सी डी, तुम्हें फाइनल आंसर मिल जाएगा. ओके, सो कंप्लीट कर लो प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इसका जो आंसर मिलेगा उसको प्लीज तुम लोग वीडियो के नीचे जो कमेंट है ना उस पर डिस्कस कर देना. ठीक है, उस पर नीचे अपलोड कर देना उसको, कितना आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का. क्वेश्चन नंबर 4 डायग्राम बना लेते हैं. सबके सब 1 मीटर, वन मीटर, वन मीटर, वन मीटर. ठीक है, यहाँ पे कितना है, 120 किलो न्यूटन. यहाँ पे कितना है, 220 किलो न्यूटन. यहाँ पे एक अननोन फोर्स आ गया फिर से, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 160 किलो न्यूटन. ठीक है, एक और यहाँ पे क्या आ गया, अननोन फोर्स आ गया.
अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये सेक्शन कैसा है, ये कैसा है 40 × 40 mm। चेंज किया है यहाँ पे देखो, अब तक जितने भी हमने सम्स किया ना 1, 2, 3 और ये फोर्थ है क्वेश्चन नंबर 4। क्रॉस सेक्शन जो था वो कैसा था, सर्कुलर था क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में। हमको क्या दिया था हर क्वेश्चन में 1, 2, 3 में क्या दिया था, डायमीटर दिया था ना D5। इसमें क्रॉस सेक्शन सर्कुलर नहीं है, कैसे मालूम पड़ा मुझे ये, कि यहाँ पे उसने क्या बोला है 40 × 40 मतलब कैसा रहेगा 40 × 40 मतलब ऐसा 40 × 40 मतलब क्या रहे स्क्वायर है, ठीक है। सिमिलरली ये जो पार्ट है उसका क्या वैल्यू है 20 × 20 mm, तो मैं लिखने रहा हूँ mm, तो अंडरस्टूड है। इसका क्या है 30 × 30। E कितना दिया है यंग्स मॉड्यूलस 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ इट इज वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पे कितना उसका 40 × 40, ये कितना 20 × 20, ये कितना 30 × 30, तो ऑब्वियसली एरिया चेंज हो रहा है। ओके एरिया चेंज हो रहा है, इसको मैं रब कर देता हूँ। सेम अप्रोच, नाम दे दो ए बी सी डी। ओके कितने फोर्स है यहाँ पे, 4 फोर्स है, 4 में से 2 एक्सटर्नल है और 2 इंटरनल है। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, वो बैलेंसिंग वाला करना पड़ेगा, बी और बी को जोड़ के कितना बी मिल रहा है उसको करना पड़ेगा। उसके पहले पी अननोन है, पी अगर अननोन है तो हमारे पास क्या था कंडीशन, वो बाय यूजिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। 4 फोर्स है, ये फोर्स कौन सा है -120, माइनस क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ये क्या है +220, ये कहां पे जाएगा -P। ओके ये क्या है +160 = 0। Therefore, P का वैल्यू कितना आ रहा है चेक करो, ये कितना आ रहा है -120 + 220 + 160। ठीक है फिर से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, -120 + 220 + 160 कितना मिल रहा है मुझे 260 kN। ये P का वैल्यू कितना आ गया 260 kN। ओके राइट, नाउ ब्रेक करो उसको। ये पार्ट ए बी हो गया, ये पार्ट बी सी हो गया, और ये पार्ट क्या हो गया यहां पे सी डी हो गया। ठीक है एक्सटर्नल फोर्स कहां कहां पे एक्ट हो रहा है, 2 फोर्स है एक्सटर्नल, एक क्या 120 ए पे एक्ट हो रहा है, तो यहां पे दिखा दूं 120 कहां पे जा रहा है लेफ्ट साइड, तो उसको बैलेंस कर देंगे यहां पे 120 kN। दूसरा एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है 160 कहां पे एक्ट हो रहा है, डी पे एक्ट हो रहा है, तो यहां पे दिखा दो 160 kN और ये 160 kN। ठीक है मेन अभी क्या चाहिए मुझे, बीसी में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो चाहिए। ओके तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों बी को मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो चेक करो 120 कहां पे जा रहा है 120 मूविंग टुवर्ड्स राइट, बी में कितना है हमको नहीं मालूम, तो मैं यहां पे क्या करूंगा एक गोल कर देता हूं इज इक्वल टू, दोनों बी को मैं मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए 220 मिलना चाहिए, 220 मिलना चाहिए। ठीक है और ये 220 कहां पे जा रहा है टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो मुझे अभी 120 में कितना ऐड करना पड़ेगा तभी जाके मुझे 220 मिलेगा, 100 ऐड करना पड़ेगा ना, 100 ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 220। ऐड करने के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी राइट की तरफ जा रहा है तो ये भी राइट की तरफ जाएगा, तो ये जो फोर्स है ना 100 kN टुवर्ड्स राइट मुझे यहां पे दिखाना पड़ेगा बी पे, सो दिस इज 100 kN टुवर्ड्स राइट, और यहां पे इसको बैलेंस करो 100 kN टुवर्ड्स लेफ्ट, हो गया काम, मेन काम हो गया। ठीक है राइट, सो नाउ आगे बढ़ते हैं, कंसीडर
कंसीडर पार्ट ए बी, कंसीडर पार्ट ए बी. ओके, देयरफॉर डेल्टा एल ऑफ ए बी इज इक्वल टू पी एल बाई ए ई. ए बी किधर है, ये ए बी है, ए बी में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, 120. सो 120 इंटू 10^3 न्यूटन. लेंथ कितना है ए बी का, 1 मीटर. 1 मीटर मतलब कितना हो गया, 1000 mm. एरिया, एरिया ऑफ ए बी क्या रहेगा, 40 इंटू 40. एरिया ऑफ ए बी कितना है, 40 इंटू 40. इंटू ई कितना है, 2 इंटू 10^5. 2 इंटू 10^5. ओके, हम उसका बाद में कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट कंसीडर पार्ट बी सी. बी सी तो डेल्टा एल बी सी इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए. पी कितना है, 100 किलो. तो क्या करना पड़ेगा, उसको न्यूटन में लिखना पड़ेगा. पी इंटू लेंथ कितना है, बी सी का लेंथ कितना है, यहां पे दिखा है देखो, 1 मीटर दिखा है. तो ये क्या हो जाएगा, 1000. एरिया क्या रहेगा, बी सी का एरिया 20 इंटू 20, स्क्वायर है. तो यहां पे 20 इंटू ई. ठीक है. सिमिलरली पार्ट सी डी. पी एल बाई ए. सी डी में कितना एक्ट हो रहा है फोर्स, 160 किलो न्यूटन. तो क्या हो जाएगा, 160 × 10^3 न्यूटन. एल कितना है, अगेन 1 मीटर. तो क्या हो जाएगा यहां पे, 1000. एरिया कितना है सी डी का, 30 × 30. एरिया देखो हरे में चेंज हो रहा है, इंटू ई. ओके राइट. सो नाउ कैलकुलेटर. ओके, 120 × 10^3 इंटू 1000 डिवाइड बाय 40 × 40 इंटू 2 × 10^5. कितना आ रहा है वैल्यू, मुझे मिल रहा है 0.375 mm. इंक्रीज या डिक्रीज चेक करो. ए बी में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, टेंसाइल फोर्स, खींच रहा है उसको. तो क्या होगा, इंक्रीज होगा. एक और बात बोल दूं कि हो सकता है कि मेरा कुछ मिस्टेक्स हो जाए यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेट करते करते. तो अगर मिस्टेक्स होता है, तुम्हें अगर सही आंसर मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो कमेंट है ना, वहाँ पे उसको अपलोड कर दिया करो, तो बाकी बच्चों को और हमें भी मालूम पड़ जाएगा. बी सी कैलकुलेट करो. बी सी कितना ही है, 100 × 1000 × 20 × 20. ये मुझे क्या मिल रहा है, 1.25 mm मिल रहा है. इंक्रीज या डिक्रीज, बीसी में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, कंप्रेसिव फोर्स. तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज, डिक्रीज. ओके, नेक्स्ट यहां पे 160 किलो न्यूटन इंटू 30 × 30, 0.88 mm. इंक्रीज डिक्रीज क्या है, इंक्रीज. ओके, देयरफॉर डेल्टा एल, टोटल डेल्टा एल इज इक्वल टू, इंक्रीज है ना ये, तो प्लस 0.3537. ये डिक्रीज इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस 1.25. ये इंक्रीज है, तो इंक्रीज है तो क्या हो जाएगा, 0.88. कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है, 0.8888 लिखते हैं. तो फिर क्या आ रहा है आंसर, 0.37 माइनस 1.25 प्लस 0.888. क्या वैल्यू मिल रहा है मुझे, 8 × 10^-3 mm इंक्रीज. ठीक है, ये यहाँ पे 3 डिजिट ले रहा हूँ, क्योंकि अगर 2 डिजिट लेता हूँ मैं, यहाँ पे मुझे 0 दिखा रहा है, मतलब काफ़ी छोटा डिफॉर्मेशन है, इसलिए यहाँ पे 0 दिखा रहा हूँ.